ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई एनर्जी कितनी होती है एक कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपके पास कैपेसिटर है, फाइन, ये रहा कैपेसिटर, इसमें आपने चार्ज दे दिया स्मॉल क्यू यहां पे और यहां आ गया माइनस क्यू, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है क्यू बाई सी, वेयर सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस, फाइन। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है और मैं इसमें स्मॉल चार्ज क्यू डालूं तो क्या होगा? अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है और अगर मैं स्मॉल चार्ज डी क्यू और इसमें डालूं, मतलब कि अगर मैं इसको क्यू प्लस डी क्यू कर दूं और ये माइनस ऑफ क्यू प्लस डी क्यू हो जाए, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी ये गेन करेगा? पोटेंशियल जी जो गेन करेगा वो होगा वी इंटू डी क्यू, फाइन, क्योंकि इतना तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो इतना वर्क कर रहा मैं, तो मेरे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा क्यू डी क्यू बाई सी, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द चार्ज ऑफ कैपेसिटर बाई डी क्यू फर्दर, फाइन। टोटल वर्क डन क्या होगा भाई? ये चार्ज क्यू जो है ये भी तो धीरे धीरे बिल्ड हुआ है, राइट। तो जीरो से लेकर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू अगर बिल्ड होता है तो कितनी एनर्जी होगी वो निकालना है हमें। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा और टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फाइन, जो कि हो जाएगा क्यू डी क्यू बाई सी। मैं गया हूं जीरो से लेकर कैपिटल क्यू तक, सो दिस विल बी वन बाई सी क्यू स्क्वायर बाई टू। सो एनर्जी इन अ कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर बाई टू सी, फाइन। और जब आप Q इज इक्वल टू सी वी यूज करेंगे तब आप पाएंगे कि सेम चीज इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये आएगी आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू Q इंटू वी डिवाइडेड बाई टू, फाइन। तो इस तरह से आप एनर्जी इन अ कैपेसिटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके? अब हम यहां पर एक ऐसी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो सिर्फ कैपेसिटर के लिए वैलिड नहीं है, ये एक जेनरिक चीज है, फाइन, लेकिन हम कैपेसिटर का एग्जांपल यूज करके उसको डिराइव करेंगे और वो चीज है एनर्जी डेंसिटी। तो कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस स्पेस में, किसी भी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो अगर हमको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है वहां पे, फाइन, तो उसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा? उसको निकालने के लिए आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर लीजिए। ये एनर्जी है, दिस इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। सी कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, राइट, ये होता है सी। और वी कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में? ई इंटू डी। तो ये इस तरह से आएगी आपके पास एनर्जी इन अ कैपेसिटर, राइट। और ये दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, दिस इज एनर्जी, फाइन। और ये पाएंगे आप कि ए इंटू डी इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, फाइन। तो जब आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये जो टर्म आएगी राइट हैंड साइड पे दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री, मतलब कि उसका जो वॉल्यूम वगैरह कुछ भी हो, एनर्जी डेंसिटी विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओनली। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी को अगर मैं यू लिख दूं, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये एक जेनेरिक एक्सप्रेशन है, फाइन। कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट कर रही है वहां पर एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगी ही, ओके? अब हमने दोस्तों एनर्जी को क्वांटिफाई कर दिया है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं और कंजर्वेशन चार्ज तो हमें मालूम ही है कि वैलिड होता ही है, राइट। तो चलिए कुछ सवाल लगा लेते हैं ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है उसको लेते हुए, ओके? तो मान लीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटेंस है ऑफ वैल्यू सी वन, फाइन, इसको आपने एक बैटरी से पहले चार्ज कर लिया, ठीक है,
वन टू है और ये थ्री है, ये रहा वी। ओके आपने क्या किया, पहले वन और टू को कनेक्ट कर दिया राइट, तो उससे होगा क्या, कैपेसिटेंस चार्ज हो जाएगा पूरा। ओके उसके बाद आपने वन और टू का कनेक्शन हटा दिया फाइन, और हटाने के बाद आपने क्या किया, टू और थ्री को ज्वाइन कर दिया फाइन। तो इस प्रोसेस में कितना एनर्जी जो है रिलीज हुई एज अ फॉर्म ऑफ हीट, ये आपको निकालना है। ओके कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले तो जब ये वन और टू में कनेक्टेड था तो हम एनर्जी निकाल लेंगे पूरे सिस्टम की कितनी थी एनर्जी राइट, और उसके बाद जब आपने टू से थ्री में कनेक्ट किया उसकी वजह से जो एनर्जी आएगी वन और टू में वो निकाल लेंगे ठीक है। तो जो फाइनल एनर्जी होगी वो इनिशियल एनर्जी से कम होगी फाइन, और जितना कम होगी उतनी एनर्जी वो हीट के फॉर्म में बाहर रिलीज कर देगा फाइन। तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं राइट, अगर ये वन और टू कनेक्टेड रहते तो सी वन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी था, तो एनर्जी जो है हम आराम से निकाल सकते हैं, यू वन विल बी इक्वल टू हाफ सी वन इंटू वी स्क्वायर। तो ये है आपकी इनिशियल एनर्जी, बट अगर आप इसको हटा के जब टू और थ्री कनेक्ट कर दे रहे हैं तो क्या होगा, तो भाई यहां पे जितना भी चार्ज था दोस्तों, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज था, ये थोड़ा सा यहां पे भी ट्रांसफर हो जाएगा इस प्लेट में राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस सी वन के अक्रॉस वी नहीं रह जाएगा, तो आप ये एनर्जी नहीं लिख सकते हैं, पोटेंशियल विल बी चेंज्ड नाउ। ओके लेकिन यहां पे मान लीजिए आफ्टर कनेक्शन प्लस क्यू वन चार्ज रह जाता है और यहां पे प्लस क्यू टू आ जाता है, तो क्या मैं चार्ज के टर्म में कुछ रिलेशन लिख सकता हूं, बिल्कुल चार्ज तो कंजर्व होगा ही, तो क्यू वन प्लस क्यू टू शुड बी इक्वल टू जो इनिशियल चार्ज था राइट, और इनिशियल चार्ज क्या था कैपेसिटर में, ये वी के अक्रॉस कनेक्टेड है सी वन, तो दिस शुड बी इक्वल टू सी वन इंटू वी इजंट इट, और ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके अक्रॉस सेम होगा, तो ये इक्वेशन भी वैलिड है कि भाई क्यू वन बाई सी वन विल बी इक्वल टू क्यू टू बाई सी टू राइट। तो यहां से मेरा क्यू टू जो आएगा वो आएगा क्यू वन टाइम्स सी टू बाई सी वन राइट, फिर इसको यहां सब्स्टिट्यूट अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास आएगा Q1 प्लस Q1 टाइम्स C2 बाई C1 इज इक्वल टू C1V वी राइट, सो Q1 C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 इज इक्वल टू C1V, सो Q1 जो आपका आएगा वो C1 स्क्वायर V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 आएगा ठीक है, और Q2 कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा C1 C2 V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 है कि नहीं, Q2 इज Q1 टाइम्स C2 बाय C1, तो ये आ गया Q2 फाइन, जब Q1 प्लस Q2 करेंगे तो C1 V आना चाहिए, तो बिल्कुल सही है वो फाइन। और अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी जो पहले कैपेसिटर में है वो हो जाएगी मेरी Q1 स्क्वायर बाई 2 C1 फाइन, और एनर्जी तो दूसरे कैपेसिटर में है दोस्तों वो हो जाएगी Q2 स्क्वायर बाई 2 C2 राइट, इसको मैं U0 लिख देता हूं इनिशियल एनर्जी, तो जो चेंज इन एनर्जी आई दोस्तों वो हो गई U0, भाई इसमें तो एनर्जी थी नहीं पहले, तो U0 हो गई जो भी एनर्जी यहां थी वही टोटल एनर्जी थी माइनस यू वन प्लस यू टू, तो इतनी एनर्जी बदल गई और जो भी बदलाव आया एनर्जी का वो एज अ फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो गई। ओके और एक और सवाल लिख लीजिए आप कि भाई अगर ये कैपेसिटर है ठीक है, ये कनेक्टेड है एक बैटरी से, सी वन है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है फाइन, तो इसमें एनर्जी कितनी है, इनिशियली एनर्जी है हाफ सी वन इंटू वी स्क्वायर, ये आपकी इनिशियल एनर्जी है फाइन। ओके अगर मान लीजिए इसके अंदर मैं एक डायलेक्ट्रिक डाल देता हूं ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के फाइन, तो एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस तो वी ही रहेगा क्योंकि दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस
between the plates of the capacitor, wahi to main bahar se laga raha hu, right? Lekin capacitance is now k times a, isn't it? Jab bhi main ek dielectric dalta hu ek capacitor ke andar, to uska jo capacitance hai k times the earlier value ho jata hai, fine? So energy finally will be equal to what? Half k times c1 into v square, fine? Is tarah se aap isko dekh sakte hain. Aur agar मैं पहले इसको चार्ज करता हूं, फिर अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करके उसके बाद अगर डायलेक्ट्रिक डालता हूं, तो कितनी होगी इनिशियल और फाइनल एनर्जी? इनिशियल एनर्जी तो भाई अनचेंज है, उतनी की उतनी रहेगी, हाफ सी वन इंटू वी स्क्वायर. और जो फाइनल एनर्जी है उसको निकालने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अब वी नहीं रह गया है. जब डायलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या चीज नहीं चेंज होगी? चार्ज. अर्लियर हो क्या रहा था कि बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर दे रहा था इन ऑर्डर टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस वी, लेकिन अब बैटरी तो कनेक्टेड है ही नहीं, तो बैटरी सप्लाई कर ही नहीं सकता चार्ज, राइट? तो जो भी चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में भी रहेगा. और कितना चार्ज था पहले? पहले चार्ज था आपके पास सी वन इंटू वी, तो वही चार्ज आपके पास अभी भी रहेगा. तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फाइनल एनर्जी के लिए? आप यूज करेंगे q स्क्वायर बाई टू सी, इजंट इट? v के बारे में तो आपको पता ही नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मैं q स्क्वायर बाई टू सी फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मुझे q पता है. q कितना है? c1 वन इंटू वी होल स्क्वायर. और कैपेसिटेंस कितना हो गया? k टाइम्स c1 दोस्तों. तो एनर्जी विल बी 1 बाई टू टाइम्स C1 V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई के. तो एनर्जी इस केस में K टाइम्स हो रही थी और इस केस में 1 बाई के टाइम्स हो रही है, ओके? तो इस तरह से आज हमने कैपेसिटर के बारे में जो भी डिस्कशन करना था खत्म कर दिया है. और आप जो है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस भी देखिए, क्योंकि ये जो हमने डिस्कस किया है ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस में, ओके? और आप साथ ही साथ ढेर सारे सवाल खुद से प्रैक्टिस करने का ट्राई करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको आप इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करिए, हम आपके डाउट्स फटाफट सॉल्व कर देंगे, ओके? थैंक यू.